आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आप सबको पता है कि पूरे भारत में लहसा मार्केट धूम मचा रहा है ठंड के कपड़ों के मामले में। देख लीजिए, लोग खरीद के ले जा रहे हैं। हम आपको दिखा रहे हैं कि दरभंगा में भी हर साल की भांति इस साल भी लहसा मार्केट आ चुका है। सामने ऊपर देख लीजिए तो ये लहसा मार्केट जो तिब्बत लहसा मार्केट फेमस है पूरे भारत में ठंड के कपड़ों के लिए, वो आपके शहर दरभंगा में भी आ गया। अंदर चलेंगे, अंदर दिखाएंगे कि इस बार इस कपड़ा में ठंडा, क्योंकि ठंडा तो लेट आया है लेकिन ठंड का कपड़ा पहले से आपके शहर दरभंगा में आ चुका है। बाकी एक बार दिखा दीजिए, ऋतिक भाई हमारे साथ हैं। देख लीजिए इस तरीके का डेकोरेशन जो है वो लहसा मार्केट में हर साल देखने को मिलता है। तो देखिए कुछ अंदर का ऐसा सीन है, ये पूरा एरिया देख लीजिए तो ये पूरा पार्किंग आपको इस एरिया में मिल जाएगा। ऋतिक भी हमारे साथ में है जैसे हर वीडियो में रहता है। ऋतिक, ठंडा अब लगभग आज से स्टार्ट हो गया है क्या? ठंड का सोच रहे हैं आज ले ले यहां से कुछ। अच्छा चलिए, देखिए यहां से फर्स्ट काउंटर से शुरू करेंगे। ये काउंटर है, पहला नंबर काउंटर पे आपको ऐसे कुछ चीज़ें जो है लहसा मार्केट में मिल जाएगी। पिछले साल भी हम लोग लिए थे काफ़ी कपड़ा लेकिन ठंड जो है वो लेट आई थी जब ये लोग जाने लगे थे। क्या नाम हुआ? हमारा नाम कुनसंग हो गया। अच्छा, लहसा मार्केट इतना फेमस क्यों है पूरा भारत में? पूरा भारत में हम लोग का ये लहसा मार्केट जो पहले हम लोग का बड़े पूर्वज किया था दुकान, तो लहसा मार्केट से किया था। अच्छा। तो अभी कंटिन्यूस वो चल रहा है इसलिए वो अब पॉपुलर हो गया हम लोग का। अच्छा, आपके पास क्या क्या है? मतलब लहसा मार्केट ठंड का कपड़ा ही रखता है या और भी रखता है? वुलन कपड़ा खाली है, वो छोड़ के हम लोग का जैकेट वगैरह आपका हो गया, वुलन का स्वेटर हो गया, ये सब चीजें, शॉल, मफलर, टोपी, वो सब वगैरह है। शॉल हो गया, ये हो गया वुलन का शॉल हो गया। अच्छा, वुलन शॉल हो गया, ये वाला आ गया अभी। अच्छा, अभी एक तो नया चीज भी आया, ये वाला हो गया आपका चेक शर्ट में हो गया ये। अच्छा, ऊनी में मतलब इसमें आपका ये वाला आ गया। अच्छा, अंदर पूरा मतलब ये पूरा एकदम गर्म लग, गर्म हो गया ये। और स्टाइलिश का स्टाइलिश लगेगा, स्टाइलिश भी है ये, अभी नया है। कितना होगा इसका प्राइस? इसका आपका पड़ेगा 1270। बाकी अगला काउंटर पे देखिएगा तो अगला काउंटर पे ये भाई साहब मिल जाएंगे। क्या नाम हुआ? मेरा वंगदी भुटिया। अच्छा, कहाँ से आए हैं? हम लोग सिलगुड़ी, दार्जिलिंग। क्या देखिए, ये क्या है? लेडीज का। अच्छा, स्वेटर। मतलब ये पूरा जो होता है उन्हीं है, जो इसको बोलते हैं कुर्ती, वो है क्या? नहीं नहीं, स्वेटर है, लॉन्ग स्वेटर, लॉन्ग स्वेटर, लॉन्ग स्वेटर। इसका कितना प्राइस पड़ता है? 23, मतलब 2380 रुपया। 2380 रुपया में ये देखिए, 2380 रुपये में ये पूरा लॉन्ग आपको स्वेटर मिल जाएगा और स्टाइलिश भी देखने में भी खूबसूरत लग रहा है। देखिए टोपा के साथ है। अच्छा अच्छा, मतलब टोपी भी है साथ में और इसके साथ ये पूरा एकदम, दिखाइए जरा एकदम, कपड़ा भी छूने में भी लग रहा है काफी मुलायम है। इतना तो मक्खन भी नहीं है। हाँ, इतना तो मक्खन भी सॉफ्ट नहीं है। इतना मक्खन भी सॉफ्ट नहीं है। देखिए कपड़ा पूरा एकदम, हम तो पहन नहीं सकते क्योंकि ये लेडीज के लिए है, तो नहीं तो हम पहन के बता देते कि कैसा लगता है। पहनता है लड़का लोग कोरिया में, तो पहनता है लड़का लोग कोरिया में, पहनता है लड़का लोग फैशन में जाने से। तो वो वेस्टर्न कल्चर है, हमारे कल्चर में लड़का लड़की का अलग कपड़ा आता है। खरीदारी कर रहे हैं इधर ठंडा का कपड़ा। फिर दिखाइए दिखाइए दिखाइए, आंटी ले रही है। क्या ले रहे हैं भैया? कपड़ा ले रहे हैं। कपड़ा ले रहे हैं, कब से खरीद रहे हैं लहसा मार्केट में? पहली बार आए हैं क्या? दिल्ली से ही ले रहे हैं। अच्छा, दिल्ली से ही। देख लीजिए एक कस्टमर मिल गया, मैंने पहले ही बताया था कि पूरे भारत में लहसा मार्केट फेमस है, ये दिल्ली से ले रहे हैं। कपड़ा कैसा रहता है यहाँ का? बहुत ही गर्म रहता है। बहुत गर्म रहता है, बहुत अच्छा रहता है। अच्छा, आंटी कुछ ले रही हैं आप? स्वेटर ले रही हैं। वाह, देख लीजिए, मतलब अभी तक शिकायत नहीं ना आया कभी? कभी नहीं, बहुत चलता भी, टिकाऊ भी रहता है। टिकाऊ भी रहता है। लोग का अक्सर कंफ्यूजन रहता है कि ये लोग आते हैं अक्टूबर में फिर जनवरी में चले जाते हैं, कहीं कपड़ा में कोई फॉल्ट आया तो फिर हम कहाँ खोजेंगे। बहुत ही विश्वसनीय है। अच्छा, बस एक ही है थोड़ा सा कि पहले ना थोड़ा सा यानी कि रेट में थोड़ा सा वो रहता था, अब रेट इन लोग फिक्स कर दिए। अच्छा, पहले ज्यादा रहता था? हाँ, पहले ना बहुत ना रीजनेबल रेट में मिल जाता था। अच्छा, अब थोड़ा रेट थोड़ा सा इन लोग का फिक्स रेट। अच्छा, महंगाई के साथ। आंटी आप क्या ले रही हैं इस बार? हम अपने लिए स्वेटर ले रहे हैं। स्वेटर ले रहे हैं। अच्छा, लोग अब शादी का सीजन आ गया, लोग सोचते हैं शादी में तो हम स्वेटर वेटर नहीं पहन के जाएंगे, लेकिन यहाँ का कपड़ा कलेक्शन देख के लग रहा है कि लोग फैशन भी कर सकते हैं। डिजाइन वजाइन सब अच्छा है, मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि स्वेटर पहन के जाए तो थोड़ा फील हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं, मतलब फैशन साथ में और शादी अटेंड कीजिए, गर्म भी रहिए, ठंड से दिखा रही है चीज भी बस सही। आप कब से, मतलब 2000? हम लोग दिल्ली से ही, दिल्ली से ही ले रहे हैं। बताइए, कस्टमर सब दिल्ली से यहाँ इनको फॉलो करते हुए आ रहे हैं। बाकी ये सब भी काउंटर पे देख लीजिए, इधर भी आपको दिख जाएंगे कुछ कुछ लोग जो है। क्या नाम है दीदी? श्रिंग डोलमा। हाँ, क्या क्या है आपके पास? सभी काउंटर पे तो है, आपके पास क्या खास है बताइए? हम पास लेडीज कोट है। लेडीज कोट है, दिखाइएगा में आएगा, लॉन्ग में आएगा। दिखाइए जरा, नया आया हुआ है। दिखाइए दिखाइए,
ये थोड़ा लॉन्ग में है, मतलब अगर आप फैशन के साथ साथ ठंड को भी दोनों एक साथ लेके चलना चाहते हैं, मतलब सर्दी से भी बचना है फैशन भी करना है तो इसके साथ ये। कितना प्राइस है इसका? प्राइस में दिया हुआ है। कितना है ये? 2420 रुपया है। 2320 रुपया है, 2320 है, 2320 रुपया में देख लीजिए। मार्केट में महंगा होगा या ये सस्ता होगा? मार्केट से तो थोड़ा सस्ता ही है। मार्केट से सस्ता है आपके यहाँ? अच्छा है, फैंसी है, क्वालिटी भी अच्छा होगा। बिका है कि नहीं अभी तक? अभी जा रहा है। अब जा रहा है? हाँ जी। मतलब कस्टमर रिस्पॉन्स कैसा रहा अभी तक यहाँ दरभंगा में? अभी ठीक ही है, मतलब मिला जुला के चल रहा है ना जी, आस्ते आस्ते ये वाला। हाँ हाँ, आपको वर्क में मिलेगा, बाय वर्क कर निकाल देंगे तो। अच्छा, ये देखिए आपका सारा फैंसी स्टॉल्स है। अच्छा, आपको वुलन होगा सारा, एकदम ये मुलायम रहेगा, सॉफ्ट, यूज करने में आपको गड़ेगा उड़ेगा नहीं। कि एक आप सिंगल बेड का चादर जो आप ओढ़ भी सकते हो थोड़ा बहुत ठंडा में, और बेड पे बिछा भी सकते हो ट्रैवलिंग के दौरान। लाइट वेट है तो आपको ज्यादा ये स्पेस आपके बैग में लेगा नहीं। जेंट्स का है ये? दिखाइए दिखाइए, सारा जेंट्स का है, वो चेन वाला। वाह, पहली बार देख रहे हैं जेंट्स का इतना खूबसूरत। आपको बहुत सारा प्रूफ, मतलब ये स्वेटर देख के मुझे याद आ रहा है कि धड़कन मूवी में अक्षय कुमार जब हाँ 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 वो देखिए इनको पूरा एकदम याद आ गया मुझे वही सीन। एक्चुअल वही स्वेटर देख के मुझे याद आया है सीन जब शिल्पा शेट्टी अक्षय कुमार का चल रहा था वो सॉन्ग वाला। अच्छा। वही सॉन्ग वाला ये स्वेटर देखने में लग रहा है। और इसका एक बार दिखा दीजिए तो कलर इतना अच्छा है कि किसी भी, मुझे लगता है कि किसी को इसमें डाउट होगा कि ये कलर मुझ पे नहीं अच्छा लगेगा, सब पे आ जाएगा, सब पे कलर रहेगा इसमें। क्या प्राइस कितना है? देखने में तो लग रहा है कि महंगा होगा। तेरह सौ बीस रुपया में देख लीजिए, वैसे भी 1500 रुपये तक नॉर्मल स्वेटर सब आता ही है ठंड का। देखिए कपड़ों के साथ साथ ये मैडम है, इनसे मैं आपको परिचय करवा देता हूँ। ये लगभग मुझे 5 साल से ऐसे ही देख रही हैं और मैं भी इनको देख रहा हूँ। क्या हाल है जी? ठीक हूँ। ठीक है? हाँ जी, हाँ जी। क्या क्या है आपके पास? आप अपना कपड़ा दिखाइए। विंटर का सब कलेक्शन है, ऐसे तो हर साल आपको तो जानते ही है के पास। दिखाइए दिखाइए कुछ। हाँ जी, हाँ जी, विंटर के लिए ऐसे लेडीज में तो अभी शॉल स्टॉल है हम लोग के पास। हाँ, और ब्लेजर है, स्वेटर है, ब्लेजर निकालो, इस टाइप का शॉल स्टॉल हो गया। ठीक है, ये हो गया ना? हाँ जी, और इस टाइप का स्टॉल, ये गरम गरम स्टॉल वगैरह है हम लोग के पास। अच्छा, बाकी कुर्ती वगैरह है, बच्चे के बच्चे में है, ब्लेजर वगैरह अभी छोटा। ये कितना साल का बच्चा का आ जाएगा? मुझे लगता है 1-2 महीने का बच्चा पहन सकता है। 6 मंथ 5-6 मंथ से 8, मतलब ये गर्ल्स ही यूज कर सकती है ना? यूज करता है, इसका फुल आता है और शॉर्ट भी आता है। जेंस, जेंस में भी है, लेडीज में। अच्छा, लेडीज में, लेडीज के लिए, लेडीज के लिए। मतलब अंदर में अगर कोई साड़ी उड़ी भी पहना है तो उसके ऊपर शूट ऑल ड्रेसेस में जाएगा, सब पे ये जा सकता है ना? सब ड्रेस में। प्राइस कितना है ये? प्राइस इसका हम लोग के पास में ये 1900 का है। अच्छा, 1900। हाँ जी, 1900 रुपये में देख लीजिए, ये आपको 1900 रुपये में पूरा फुल मिल जाएगा ना? जाएगा। इसका लॉन्ग भी है, इसका शॉर्ट भी है। लॉन्ग 1980 का मिलेगा। हाँ। और शॉर्ट में 1900 का। 1900। और जेंट्स में है ये। अच्छा अच्छा, ये जेंट्स में आएगा, जेंट्स में भी 2480 का है। इसमें चाइनीज गला में आएगा और ये कोरियन गला में आएगा। कोरियन गला में सब अवेलेबल है। वाह, उन लोगों क्या कहिएगा जो लोग सोचते हैं कि यहाँ से कपड़ा खरीदे और फिर ये लोग तो जनवरी में चले जाएंगे, तो फिर अगर कपड़ा में कोई खराबी आया या कुछ आया तो कैसे क्या होगा? जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि फैशन के दौर में गारंटी की इच्छा ना करें, उनको क्या कहिएगा? क्योंकि हम लोग बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी देने का कोशिश करते हैं। देखिए सर, और हम लोग हर साल आते हैं, हम लोग ऐसे झूठ मूठ बोल के एकदम भाग जाने वाला नहीं है। हम लोग हर साल आते हैं, हम लोग अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट देने का कोशिश करते हैं, कपड़े देने का कोशिश करते हैं। अभी तक कस्टमर जितना भी होता है सेटिस्फाइड हो जाता है, मार्केट का अच्छा है बोल के सेटिस्फाई होता है। ये अगर मान लीजिए हम खरीदे, ठीक है, अगर मुझे घर जाके पता चला कि ये कट टूट है, अगर टैग ना हटाए तो ये रिप्लेस हो सकता है? एक्सचेंज हो जाएगा, मनी रिफंड नहीं होगा, एक्सचेंज हो जाएगा। एक्सचेंज हो जाएगा, कोई साइज में इशू हुआ, कोई कलर में कोई आपको पसंद नहीं आया तो साइज एक्सचेंज हो जाएगा। बस ये टैग रहना चाहिए, क्योंकि सभी काउंटर में एक ही क्वालिटी का सामान है, एक ही प्राइसेस है। इस वजह से एक वैम होता है ना, मेरा काउंटर का है कि नहीं, वही बोल के टैग नहीं तोड़ना चाहिए, एक्सचेंज हो जाएगा। इधर दिखाइए, पार्टी वियर है, दिखाइए। मैं बात कर रहा था बार बार, मैं इसलिए शादी का जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि शादी का सीजन स्टार्ट होगा तो लोग ठंड से, मतलब ठंड में बिना बचाव के ही चले जाते हैं, तो इस वजह से आप
ठंड के महीनों में दोनों चीज़ आप कर लीजिए, मतलब आप शादी भी अटेंड कीजिए और फैशन भी मेंटेन कीजिए, उसके लिए आप ये चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ का कपड़ा में मुझे क्वालिटी भी देखने को लग रहा है। बाकी जो लोग देख रहे हैं वो लोग बताइए कि अभी तक अगर आप लहसा मार्केट में परचेज़ किए हैं तो आपके कपड़ा में ऐसा कुछ मुझे उम्मीद है कि नहीं खराबी आया होगा। 3-4 साल से मैं भी यूज़ कर रहा हूँ, अभी भी वही यूज़ करता हूँ। बाकी ये चीज़ें एक बार देख लीजिए। तो लगभग यहाँ पर कितना दुकान होगा? 21 दुकान है। 21 दुकानों के साथ तिब्बत का लहसा मार्केट। लास्ट काउंटर ये है, यहाँ पे दिखाइए। क्या हाल है? ठीक है। ठीक है, आप तो हर साल आते हैं। हाँ। इस साल क्या सेल उल हुआ है? इस साल थोड़ा कम ही है। थोड़ा कम है, कम है। सेल कम है क्योंकि पहले जैसा नहीं है। पहले जैसा नहीं है। सस्ता मिलेंगे मार्केट से? सस्ता सस्ता क्योंकि आपको मार्केट का और ये जैसा मॉल का ये क्वालिटी और यहाँ का क्वालिटी में बहुत फर्क पड़ेगा। मार्केट से यहाँ का क्वालिटी में फर्क? लोगों को लगता रहता है कि मार्केट में मुझे इससे सस्ता लग जाएगा लेकिन क्वालिटी नहीं मिलेगा ना। हाँ, वो क्वालिटी नहीं मिलेगी, क्वालिटी नहीं मिलेगा। देख लीजिए, ये 21 दुकानें, 21 दुकानों के साथ लहसा मार्केट आपका इंतजार कर रहा है ठंड के कपड़ों के लिए। ठंड का खरीदारी करना चाहते हैं तो आप एक बार पूरा सीन देख लीजिए, मतलब डेकोरेशन भी ऐसा लगेगा। और लास्ट में इधर दिखा दीजिए तो ये लोग पूरा एकदम, ये दलाई लामा है उनके साथ, पूरा देख लीजिए। आपको जो देखने को मिल रहा है वो तिरंगा, आप भारत के हैं तो समझ ही सकते हैं। दूसरा ये तिब्बत का है क्योंकि तिब्बत लहसा मार्केट इसको कहा जाता है। जो तिब्बत के लोग हैं वो लोग जब भारत में आ गए हैं तो उनके वजह से ये तिब्बत का झंडा, और बीच में जो है वो बौद्ध धर्म का, ये लोग बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग हैं। इस वजह से आप सामने दलाई लामा का भी वो देख सकते हैं, फोटो लगा हुआ है। बाकी लास्ट में ये पूरा एरिया देख लीजिए, पार्किंग भी आपको मिल जाएगा। दरभंगा में जगह जगह भटकिएगा तो आपको पार्किंग के लिए भी गाड़ी लगाने का दिक्कत होगा, तो वो चीज़ें आपको नहीं देखने को मिलेगी। वीडियो को आप यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप लोग अगर लहसा मार्केट में खरीदारी नहीं किए हैं तो खरीदारी कीजिए। जो लोग खरीदारी कर चुके हैं उनका एक्सपीरियंस कैसा है कॉमेंट सेक्शन में बताइए। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।